राज्यसभा के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों से मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं कि पंजाबी भाषा और साहित्य का यह सम्मेलन है और मुझे पंजाबी नहीं आती है, इसलिए आप मुझे हिंदी में बोलने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, बैक टू बैक J&K में हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, देश के जवानों के ऊपर हमला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत उन जवानों को याद करते हुए, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए शुरू हुआ होगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और ये बात मैं औपचारिक तौर पे नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं। ये बड़ा अजीब है इस देश में। मेरे घर से मेरे एक भाई साहब मेरे परिवार से CRPF की नौकरी करते थे, नॉर्थ ईस्ट में उनकी पोस्टिंग थी और इसी तरह के अटैक में वो शहीद हुए थे। अजीब ये है इसमें कि अभी जब ये हमला हुआ है, जिनको मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, वो कन्हैया कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमला क्यों हुआ है। इसमें ये अजीब है। मैं यहाँ पर मौजूदा राजनीति के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा काम हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट ने आसान कर दिया है और उन्होंने मौजूदा राजनीति के बारे में आपको बताया है और मौजूदा राजनीति को आप भी बहुत समझते हैं। घूम फिर करके सवाल यही आता है, विकल्प क्या है? पहली बात तो ये है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और ना मैं विकल्प की राजनीति करता हूं। मैं समझता हूं कि इस देश में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचने की जरूरत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की राजनीतिक समस्या का और उस समस्या के समाधान के संबंध में यदि आप विचार करना चाहते हैं तो आप दुनिया की और देश की अर्थव्यवस्था और समाज को समझे बिना राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। अब अर्थव्यवस्था सुनते ही, इकोनॉमिक्स सुनते ही लोगों को नींद आने लगती है। खुद मार्क्स ने जो किताब लिखी कैपिटल, मुझे नहीं लगता है कि अपने आप को मार्क्सवादी कहने वाले भी उस किताब को पढ़ पाए होंगे। इतना जटिल है वो, इतना जटिल कि उसको पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है। हमको आसान चीजें पसंद है। पूरी की पूरी मानव सभ्यता का विकास ही जटिल चीजों को आसान बनाने के लिए होता है। पहले लोग पांव में खराव पहनते थे, अब तो नहीं पहनते, क्योंकि खराव पहन करके चलना किसी व्यायाम से कम नहीं था। हर समाज अपनी जटिल परिस्थितियों से निकल करके आसान परिस्थिति में जाना चाहता है, लेकिन जिसको हम आसान समझते हैं, क्या वो वाकई आसान होता है? अगर हम डायलेक्टिकल तरीके से सोचें तो जो आसान है वो जटिल भी है। उसका एक पक्ष जीवन को यदि आसान बना रहा है तो दूसरा पक्ष उसके जटिलता को सामने लाता है। और अभी जब डिग्निटरीज जो हैं केंद्रीय पंजाबी सभा के और दूसरे जो स्पीकर आए हैं, उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में जो समस्याएं हैं उसकी जो जटिलता है उसके संबंध में कहा। मंजीत सिंह जी साहब ग्रीन रेवोल्यूशन स्पीड कहां भाग करके जाएंगे इस संबंध में बात कर रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन से भूखमरी की समस्या तो खत्म हो गई, कैंसर की समस्या पैदा हो गई। पहले लोग
भूख से मर रहे थे, अब खा करके कैंसर हो रहा है और कैंसर से मर रहे हैं। यह जो समाज का द्वंद है, यह जो डायलेटिक्स है, उस डायलेटिक्स के अप्रोच से यदि हम दुनिया को देखना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को निराश होने की जरूरत है। कई बार तो मैं अब इस बात के लिए निराश हो जाता हूं कि मेरी आशा खत्म क्यों नहीं होती। कुछ भी हो जाए, नाउम्मीदी मुझे नजर ही नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ हमारे कहने, सोचने, लिखने या बोलने से नहीं होता है। हमारे कहने से सूरज पूरब में नहीं दिखता, हमारे कहने से धरती नहीं घूमती, और हमारे कर देने से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन एक बात और है, ये विज्ञान का एक पक्ष है, यह समाज का एक पक्ष है, यह दुनिया का एक पक्ष है। अगर आप बैट लेकर के खड़े हैं पिच पर और सामने से कोई तेज गति में बॉल फेंक रहा हो तो आप कुछ नहीं करेंगे तो बॉल आपके सामने से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बल्ले का इस्तेमाल करेंगे तो बॉल पीछे जाने की बजाय बॉल बाउंड्री के बाहर भी जा सकती है। इसीलिए समाज में मनुष्य की भूमिका को मैं कमतर नहीं आंकता, और जब मैं मनुष्य कहता हूं तो मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं सामूहिकता की बात कर रहा हूं। मनुष्य होना ही अपने आप में सामूहिकता का परिचायक है, और आज की राजनीति का, समाज का, विज्ञान का और दर्शन का सबसे बड़ा अंतर विरोध यह है कि व्यक्ति समूह के सामने खड़ा हो गया है। समूह व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए है या व्यक्ति समूह के खिलाफ है, इस बात को तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन दुनिया की जरूरत है या ग्लोबलाइजेशन के चलते आज दुनिया एक ग्लोबल प्रॉब्लम में फंस रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। और इन तमाम चीजों को समग्रता से समझे बिना अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो नहीं दिखाई देगा। सबसे पहली बात यह, इकोनॉमिक्स के भीतर जो चीजें घट रही हैं उसकी कुछ बुनियादी चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, जरूरत के चलते मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने लगा हूं। इसीलिए जब सर वो किताब और उस राइटर की बात कर रहे थे तो उसका नाम मुझे अनायास याद आ गया, जर्मी रिफ्किन की द मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो दुनिया में विकास हुए हैं उसको आप किन चरणों में समझना चाहते हैं। पहली बात तो यह है, जब हम यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस एक ऐतिहासिक घटना के साथ दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई थी। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ होता, कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ होता तो इंडिया में आज जो नेशनलिज्म का डिस्कोर्स है वो पैदा ही नहीं हो पाता। नेशन जिस स्ट्रक्चर में है वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता, और दुनिया जिस तरीके के कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट से गुजरा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम नहीं गिराए गए होते, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट नहीं होता, गांधी और भगत सिंह जैसे लोग नहीं पैदा होते, एफर्मेटिव एक्शन की बात नहीं होती, एमेंसिपेशन की बात नहीं होती, आइडिया ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रीडम नहीं होता। मतलब यह है कि यदि आज डेमोक्रेसी खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, तो मेरे दोस्त नेशनलिज्म भी खतरे में है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं निराश नहीं होता हूं। ऐसा कैसे होगा कि नेशन स्टेट खत्म हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन के चलते और नेशनलिज्म जिंदा रह जाएगा? इसीलिए अपने ही अंतर विरोध में फंस जाते हैं। सिद्धू को तो कह देंगे कि पाकिस्तान क्यों गए, आप क्यों गए गुरुजी? बाकी लोगों को तो कह देंगे एंटी नेशनल हैं,
डोभाल साहब, आपका बेटा क्यों व्यापार कर रहा है पाकिस्तान के साथ? आप करें तो सही, हम करें तो गलत। ये अपने ही अंतर विरोध में फंस जाएंगे। अपने अंतर विरोध में इसलिए फंस जाएंगे कि कहते हैं कि दुनिया को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस देश के किसानों को आत्महत्या करवा के, इस देश की इंडस्ट्रीज को बंद करके, इस देश के लोग माइग्रेट करते रहे, बिहार के लोग माइग्रेट करके पंजाब आए और पंजाब के लोग माइग्रेट करके कनाडा जाएं, ऐसे भारत विकसित बनेगा? ये डिस्पैरिटीज कब तक चलती रहेगी? इस डिस्पैरिटीज के चलते जो अनरेस्ट पैदा हुआ है, उस अनरेस्ट से ही एक नया रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं नाउम्मीद नहीं होता हूं। इकोनॉमी में जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, उसमें बुनियादी एक बात को समझ लीजिए। चाहे आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात कर लीजिए, रशियन रेवल्यूशन की बात कर लीजिए, लेफ्ट मूवमेंट की बात कर लीजिए, अंबेडकराइट मूवमेंट की बात कर लीजिए, आप सेंटरिस्ट लिबरल मूवमेंट की बात कर लीजिए, आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, इस सब का जेनेसिस इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था कि आज के वक्त में जो इकोनॉमिक चेंजेज हो रहे हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से अलग मानेंगे। सबसे पहली बात यह हुई कि फिजिकल लेबर को रिप्लेस करते हुए भारी मशीन का आविष्कार किया गया। उत्पादन अप्रत्याशित तरीके के, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ गए। जब उत्पादन बढ़ेंगे, स्वाभाविक तौर से उन उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की जरूरत होगी। आप अगर हाथ से घास काटते हैं और आप यदि मशीन से घास काटते हैं लेकिन हाथ से चलाते हैं मशीन को, और फिर उसी मशीन को जब आप दूसरी मशीन से चलाते हैं, तो एक बार जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो बड़ी मात्रा में आपको घास की जरूरत होगी, वरना मशीन बेकार में चलता रहेगा। तो बड़े लेवल पे कच्चे माल की भी जरूरत है और बड़े लेवल पे जो माल तैयार हुआ है उसको बेचने के लिए बाजार की भी जरूरत है। और यहां पर संस्कृति और धर्म नहीं कुछ होता है। संस्कृति और धर्म को इस बदलाव के साथ कदम मिला करके चलना पड़ता है, वरना वो खत्म हो जाता है। और ईसाई और क्रिश्चियनिटी या जो डिस्कोर्स है, उसमें ये आया कि समुद्री यात्रा करना पाप नहीं है, इसीलिए मोदी जी का पाकिस्तान जाना पाप नहीं है। क्योंकि यह बाजार की जरूरत है। एक तरफ आप कहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी तरफ आपको पता है कि आप नहीं बना सकते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि यह संभव नहीं है। बाजार तब तक ही आपको यह बदमिजाजी करने की इजाजत देता है जब तक कि वो क्राइसिस में है। जिस दिन उसका सेटलमेंट हो जाएगा, कहेगा बकवास बंद करो, पाकिस्तान से भी बायलेटरल रिलेशन बनाओ, हमको वहां भी जाकर के अपना उत्पाद बेचना है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। संस्कृति और धर्म, अब हम यहां पर एक बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, एक डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, जीनियस माइंड, मार्क्स के बारे में उसमें बताया गया है, नेटफ्लिक्स पे वो अवेलेबल है, नीत्से के बारे में भी है, मार्क्स के बारे में भी है, उसको देखिएगा जरूर। मार्क्सिस्ट होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस सौभाग्य के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कंधे पे, कि मार्क्सवादी होने का मतलब मेरे हाथ में कोई गीता या कुरान नहीं है कि उसके शब्द को हूबहू लागू करवाना है। एक टूल है, अपने समय को हम अपने तरीके से समझेंगे, उसके अंतर विरोधों को समझेंगे और नया रास्ता तलाश करने का प्रयास करेंगे। वो हमारे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। लेकिन जब आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लोग पावर में आए, कैप्चर किए, उन्होंने मार्क्स की लिखी हुई लाइन तक को बदल डाली। जो बात उनकी सत्ता को सूट नहीं करती थी, उस बात को उन्होंने बदल दिया, शब्द बदल दिए, अंग्रेजी के अनुवाद बदल दिए। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था,
अभी अंतिम अवस्था और चरम अवस्था में बहुत बड़ा खेल है। हाईएस्ट स्टेज और लास्ट स्टेज में बहुत अंतर होता है। अनुवाद बदल दिए गए, किस लिए? इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के नाम पे अपना सेंट्रलिज्म चला सके अपने कैडर के ऊपर। बिल्कुल ठीक। और लीडरशिप का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का क्राइसिस कह दिया गया, विच इज नॉट ट्रू। आप मार्क्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, आप में से कोई भी, दुनिया का कोई भी एकेडमिशियन मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेंशन किया गया है उसके द्वारा कि प्रोडक्शन रिलेशन क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और उसमें प्रोडक्शन रिलेशन के आधार पे पूरे समाज की संरचना कैसे तैयार होती है। मैं यहां एक बात से सहमत हूं, आज हम जिस दौर में हैं उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही सुपर स्ट्रक्चर को नहीं डिटरमिन करता है, सुपर स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। आई एग्री विद दिस पॉइंट। उस जमाने में शायद यह समझ पाना मुश्किल था, लेकिन आज ये समझ पाना मुश्किल नहीं है। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पहले रियलिटी से पॉलिटिक्स में परसेप्शन बनता था, अब पॉलिटिक्स में परसेप्शन से सोशल रियलिटी बनती है। कितने लोग गए हैं मुसलमान के घर में, लेकिन एक परसेप्शन इतनी बार समाज में घुमाई गई कि अच्छा पढ़ा लिखा न्यूट्रल आदमी भी उसको लगता है मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान कट्टर होते हैं, मुसलमानों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, बिना इस रियलिटी को चेक किए हुए। छोड़ दीजिए, मैं धर्म की बात नहीं करता हूं। आप में से कितने लोग बिहार गए हैं? बिहारी लोग बुर्वक होता है, पढ़ता लिखता नहीं है, मजदूरी करता है, इसीलिए दिल्ली में बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। अब किसी पंजाब के व्यक्ति को पंजाबी कहेगा उसको गर्व महसूस होता है, किसी बिहार को बिहारी कहेगा उसको तकलीफ लगता है। ये कैसे हो गया? ये रियलिटी है या परसेप्शन है? और परसेप्शन कैसे रियलिटी को बदल रहा है? ये जो सिचुएशन है उसमें हम मानते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। मेरी बात को आप में से कोई लोग काट सकता है, और कोई लोग चाहे तो इसको आगे बढ़ाते हुए इसको डेवलप कर सकता है। आई एम नॉट ए फिलोसोफर, मेरे पास जितनी समझदारी है उसके आधार पे और बोलने का अवसर प्रदान कर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, यह जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जितने पॉलिटिकल थॉट्स बने थे, जितने तरीके के पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दुनिया में बने थे, मल्टी पार्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सारी चीजें एक साथ क्राइसिस में आई हैं। और ये सारी चीजें एक साथ क्राइसिस में इसलिए आई हैं कि हम कह सकते हैं कि अब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हम पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में हैं, इसका मतलब है कि नए तरीके के सोशल इथिक्स, सोशल मोरालिटी, सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी के फंक्शन का डेवलपमेंट होगा। संकट का काल यह है कि पुराना टूटा नहीं है, नया बना नहीं है, इसीलिए हम बीच में फंस गए हैं। दिक्कत आपको मैं एक एक छोटी छोटी चीजों में, चूंकि सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, एक दो छोटी छोटी दिक्कतों को आइडेंटिफाई करके जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और उसमें क्या करना चाहिए उस हिस्से पे बात करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। छोटी छोटी चीजें समझने के लिए आप ये समझिए कि आज के डेट में संयुक्त परिवार नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि खेती आधारित समाज नहीं है, और खेती में भी डायरेक्ट फिजिकल लेबर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, मशीन से खेती हो रही है, और ग्रीन रेवोल्यूशन करके हम बहुत खुश भी हुए थे। अब स्वाभाविक रूप से इंडिविजुअलिटी समाज में बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल एरियाज में मजदूर एक फैक्ट्री में एक साथ एक शिफ्ट में 2,500, 3,000, 5,000 की संख्या में काम करते थे। अब
ढाई लोग भी एक वर्कशॉप में काम नहीं करते हैं। एक एक लोग से पूरा का पूरा वर्कशॉप चल रहा है और मशीन खास करके आईसी के इन्वेंशन के बाद इतनी छोटी हो गई है कि आप अपने पॉकेट में टीवी लेके घूमते हैं नहीं घूमते हैं, ये कैसे संभव हुआ है? ट्रांसफर से जब आईसी पे मामला आया तो मशीनों का आकार लगातार घटता चला गया, और मशीन का आकार जब घटेगा तो फिजिकल लेबर की जरूरत प्रोडक्शन में कम होती चली जाएगी, और फिजिकल लेबर प्रोडक्शन में जितना कम होता चला जाएगा, इंडस्ट्रियल आइडिया ऑफ कलेक्टिव का डेमोलिशन होना शुरू हो जाएगा। उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। कोई मुझे यह बता दे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं रहा और पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में हम आ चुके हैं, पुरानी सारी मशीनें रिप्लेस हो चुकी हैं, आइडिया ऑफ वर्क, आइडिया ऑफ लेबर इटसेल्फ जब क्राइसिस में चला गया है, तो एक्सप्लॉयटेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सारे बड़ा मजेदार बात कह रहे थे, बोले मैं काला काला इसलिए पहनता हूं कि जो सस्ते में हो जाता है। सर जानते हैं नागा हो जाएंगे ना तो खपरा का भी पैसा बचेगा और पेंशन भी देगा। योगी जी बोले पेंशन देंगे, ये नहीं है सर विकल्प कि हम सस्ता कपड़ा पहनने लगे। कपड़ा तो ऑलरेडी सस्ता हो गया है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी चीज का प्राइस ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप पानीपत चले जाइए, पानीपत के जो टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी अपनी फैक्ट्री लगाए हुए हैं उनकी हालत जाकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था। ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में हिंदुस्तान में, और इसके और भी कई कॉन्ट्राडिक्शन हैं, अब उतना डिटेल में जाएंगे तो 3 घंटा का लेक्चर करना पड़ेगा। वो जो है इस देश के जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उसको तबाह करने के लिए आया था, ताकि चाइनीज कंपनी को, अब देखिए बड़ा मजेदार, दिवाली पे आपको व्हाट्सएप मैसेज क्या आता है, चाइनीज वालों का विरोध कीजिए। अब चाइनीज प्रधानमंत्री का क्या करें? बल्ब का तो विरोध कर देंगे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सब कुछ के नाम पे कर देंगे। ये हम लोगों को गधा बनाने का एक प्रोजेक्ट है, इसको ऐसे ही मत समझिए। और आप बेकार दुखी होते हैं, आपको खुश होना चाहिए जब आपको कोई एंटी नेशनल कहता है, क्योंकि आज के समय में जो अपने आप को नेशनलिस्ट साबित कर रहे हैं वो दरअसल इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया है, पूरी तरीके से। और उस आइडिया ऑफ इंडिया को तबाह करने वाले अगर अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं तो आपको एंटी नेशनल होने के लिए प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ अस एंड आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ देम। किस देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ है उस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए बेशक दूसरे लोग भी जिम्मेवार थे, और जिम्मेवार ये थे कि वेलफेयरिज्म अडॉप्ट किया, वो देश की जरूरत थी। वेलफेयरिज्म पे कुछ दिन चले लेकिन वेलफेयरिज्म को बढ़ाना नहीं था, वेलफेयरिज्म को पैरालाइज करना था। अब बीएसएनएल है ना बंद होने वाली, आप भी मैसेज किए होंगे, याद कर लीजिए व्हाट्सएप पे, अरे यार मैं बीएसएनएल से ट्रांसफर कर रही हूं, मैं एयरटेल पे जा रही हूं, क्योंकि पता है तुमको, यू नो बीएसएनएल इज भाई साहब नहीं लगेगा, एंड यू नो पहले आप दुनिया मुट्ठी में कर रहे थे, अब जो है जियो आपको मुट्ठी में करेगा। यू नो दिस इज गेम, दिस इज ब्यूटिफुल गेम। अब आप सर्च कीजिए जूता, दिन भर आपके फेसबुक पे जूता का ही प्रचार देगा। अरे जूता खाएंगे थोड़ी, एक बार एक जूता खरीद के पहन लेंगे तो हमेशा जूता ही खाएंगे क्या? ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका खेल समझिए आप। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जो समाज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का,
तो इधर से कच्चा माल डालते थे, उधर से जो है तैयार माल निकलता था। तो समाज को भी हम ऐसे ही देखते थे, ये सही है, ये गलत है, ये बढ़िया कम्युनिस्ट पार्टी है, ये खराब कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये दोनों एक ही है और हम कम्युनिस्ट हैं इसलिए हम सबसे अच्छा हैं। ऐसे ही समाज को देखते थे। समाज ऐसा कभी था ही नहीं। समाज में डायलेक्टिक्स का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को समझाया गया वो बेसिक फॉर्मूला डायलेक्टिक्स का नहीं है, है नहीं है, है भी और नहीं भी, ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला नहीं है। आज के दौर में आज की जो प्रोडक्टिविटी है, आज के जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हैं और आज की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इस विज्ञान पे काम नहीं करता है। आज का विज्ञान क्वांटम फिजिक्स के आधार पे काम करता है, मैकेनिकल फिजिक्स के आधार पे काम नहीं करता है। और जब मैकेनिकल फिजिक्स के आधार पे काम नहीं करता है तो ये सही है, ये गलत है, ये दिन है, ये रात है, अच्छा है, कांग्रेस खराब है, समाज के सोशल कॉन्शियसनेस भी इस तरीके से बिल्ट नहीं होंगे। और हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा एपरेटस जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। पुराना मोबाइल होगा 4G नहीं चलेगा, चलता है क्या? मोबाइल बदल लीजिए, 4G चलेगा एकदम धकाधक। प्रॉब्लम समाज का नहीं है, क्राइसिस समाज का भी नहीं है। क्राइसिस हमारा है कि हम समाज को नहीं समझ पा रहे हैं। समाज अपनी गति से चल रही है। सवाल यह है कि ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, एज ए ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, एज ए रिवोल्यूशनरी फोर्सेस, हम समाज के इस कॉन्ट्राडिक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मोटी मोटी बात मैं आपको बताता हूं। दुनिया के जिस इकोनॉमिक मॉडल को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पैदा किया आज वो इकोनॉमिक मॉडल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके करते थे, उस कॉस्ट को ही वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। आप लोग हमको प्यार किए इसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट में हम नफरत प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? सुपर पावर जो इंडिया का है, जो क्लास है कैपिटलिस्ट क्लास, उसके द्वारा और उसकी टीवी के द्वारा। फंसता कहां है वो? फंसता है यूट्यूब पे। टीवी पे दिखाओगे गलत, जनता जानना चाहती है कि दूसरा पक्ष क्या है, वो मिलेगा यूट्यूब पे। और जब उसके व्यूज 1-1 करोड़ होते हैं तो फिर वही टीवी चैनल जो मुझे गाली देने के लिए है कहता है कि आप मेरे कॉन्क्लेव में आ जाइए ना, हम आपको बुलाना चाहते हैं। हम बोले अच्छा, हृदय परिवर्तन कैसे? ये है कि समाज में आपको प्रोडक्टिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आज प्रोडक्टिव फोर्सेस को यदि आप आइडेंटिफाई करते हैं तो एक चीज हमको समझना चाहिए कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन का दौर चला गया है। समाज के सर्वाइवल के लिए ही अब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की जरूरत है। पंजाब के लोगों को बिहार के लोगों के लिए चावल उपजाने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के लोग अपना चावल खुद उपजा लें, हम खुद उपजा लेंगे। और जब अपने लिए चावल उपजाएंगे तो साथ में कैंसर भी नहीं उपजाएंगे। सो दिस लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज प्रॉब्लम। सेकेंड, कैपिटलिज्म का दूसरा क्राइसिस है कि जिस स्टेज पे वो पहुंचा, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वो फाइनेंस के ही क्राइसिस में फंस गया है। कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो चीज एप्पल 50,000 में दे रही है वही चीज लावा 5,000 में दे रही है। क्या करेगा एप्पल हमको बता दीजिए? अगर वो एक सर्टन क्लास को अपना कंज्यूमर बनाता है तो लावा के लिए भी मार्केट पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि कंज्यूमर खुद ही प्रोड्यूसर होने जा रहा है। और इसकी मोनोपोली दो चीजों से कंट्रोल की जाती है, एक है एनर्जी और दूसरा है सप्लाई चेन। एनर्जी के फॉर्म में ऐसे कि अगर ग्रिड में बिजली पैदा नहीं होगा तो आपके घर में तो नहीं चलेगा टीवी, मोदी जी का भाषण कैसे देखिएगा? तो आएगा सोलर एनर्जी। और आप अपने छत पे ये सोलर एनर्जी लगा दिए तो आप एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो जाएंगे। सिर्फ बिजली पैदा ही नहीं करेंगे, थानेदार को कहेंगे आ जाओ तुमको भी दे देते हैं 2 यूनिट, तुम्हारा पुलिस स्टेशन में अंधेरा रहता है। एनर्जी की मोनोपोली जो है उस मोनोपोली की बड़ी लड़ाई दुनिया में चल रही है। और उस बड़ी लड़ाई का ही हिस्सा है
कि भारत तय नहीं कर पा रहा है कि हम हैं किसके साथ। अब मैं पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के हिस्से पे आना चाहता हूं। यह मत समझिए कि मोदी जी भाषण देकर के चुनाव जीत गए हैं। तो भाषण देने वाले लोगों की कमी है, बताइए। हमारे यहां बॉलीवुड में एक से एक लोग हैं। अमिताभ बच्चन को खड़ा कर देंगे, कितना अच्छा भाषण देंगे, तो प्रधानमंत्री बना देंगे उनको, बना देंगे भाषण सुनकर के प्रधानमंत्री। नहीं साहब, ओपिनियन को जो है किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, एआई का इस्तेमाल करके, डेटा का इस्तेमाल करके किस तरीके से ओपिनियन को फ्रैक्चर्ड किया गया, किस तरीके से परसेप्शन को एस्टेब्लिश करके रियलिटी को बदलने की कोशिश की गई, ये जब हो गया तब पता चला। अब जैसे ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी खराब हो गए और मोदी जी अच्छा हो गए? मनमोहन सिंह इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द न्यू लिबरल डिजाइन, ही इज द मेन आर्किटेक्ट। तो मनमोहन सिंह खराब कैसे हो गए, ऐसा क्या हुआ? एक लेवल के बाद कांग्रेस वेलफेयरिज्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती है, उस पर बहुत पाप है, मैं उसको डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से वो वेलफेयरिज्म से अपने आप को डिपार्ट नहीं कर सकता है। क्यों? तो फिर जिस लेगेसी के चलते आज वो कांग्रेस है, उस लेगेसी का क्या करेगा? गांधी को मारने का आरोप राइट विंग पे, और गांधी को जिंदा नहीं रखने का आरोप कांग्रेस पे। दिखाने के लिए भी यदि गांधी को जिंदा रखना है तो आप वेलफेयरिज्म से पूरी तरह से कैसे डिपार्ट कर सकते हैं? जो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी है, उस लेगेसी को आप कंप्लीटली कैसे गिव अप कर सकते हैं? इसलिए मनमोहन सिंह देर से ही सही इस देश में सिखों से माफी मांग लिए। मोदी जी कभी भी मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, हमसे लिखवा लीजिए इस बात को। अब सवाल यह है कि मोदी जी आए क्यों? मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। कितना बार ये कोशिश की है कि एक बार देख लें, दिया ही नहीं, और जब दे दिया तो कहते हैं यहीं रहने दो, अच्छा लगता है, कौन देश जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि वीजा ही नहीं, तो उसको तो आप लोगों का पासपोर्ट होगा ब्लू कलर का, उनका लाल कलर का बना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना होगा, कैसे? तो मैं यहां पे उस वक्त भी हम में से बहुत सारे लोग, अन्ना जी का जब आंदोलन हुआ था ना, तो बोले थे कि जेपी का दूसरा आंदोलन हो रहा है। जेपी का जो पहला आंदोलन हुआ था तब भी दुनिया में कुछ हो रहा था, और जेपी के पहले आंदोलन के बाद ही इस देश में नव उदारवाद की शुरुआत हुई थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, सब कुछ नया हो गया था, अब फिर से नया हो रहा है, बस याद दिला रहे हैं आपको, न्यू इंडिया। ये ओल्ड क्या था, उससे न्यू अलग क्या होगा? पहले ओल्ड तो समझ लें, इसमें न्यू क्या होगा? अन्ना जी के आंदोलन में सबसे पहले स्वयं अन्ना जी ने कहा कि इस देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री का जरूरत है। याद कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अगर हम फैक्ट गलत बोल रहे हो, जनरली हम बोलते नहीं है, क्योंकि मेरा झूठ बोल करके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन प्राप्त करने का प्लान नहीं है। सबसे पहले अन्ना जी ने देश में लिया, और विदेश में कहां नाम लिया गया? न्यूयॉर्क स्ट्रीट में, कि मोदी जैसा व्यक्ति भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी को लीड कर सकता है। और फंडिंग हुई, मोदी जी के नाम पे फंडिंग नहीं हुई थी, कांग्रेस को गाली देने के लिए फंडिंग हुई थी। और एंटी कांग्रेसिज्म इस देश में होना बहुत स्वाभाविक बात है। कोई पार्टी अगर इतने समय से रूल करेगी तो उसकी अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होगी, अच्छाई वो स्वयं नहीं बताती है। अब हमको नेहरू जी से क्या लेना देना, नेहरू जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं, गांधी जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं, किसी कांग्रेस वाले से बुला करके पूछिए कि नेहरू जी के बारे में है कुछ मालूम, कहेगा राहुल गांधी जिंदाबाद। अपनी अच्छाई वो स्वयं नहीं बताते हैं, बुराई तो बताने के लिए है कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयं की सेवा करते रहते हैं।
इतना झूठ कि पुराना देश क्या था वो पता ही नहीं था। नया फिर जो करे वो जो मन करे वो बता दीजिए, जो मन करे वो गिना दीजिए। और इनकी झूठ बोलने की जो काबिलियत है, मैंने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा बड़ा आदमी है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, हम लोगों को कहता है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और हमको कहता है, हमको मेरे घर में दर्जन से ज्यादा परिवार में लोग आर्मी की नौकरी करते हैं, और हमको कहता है कि हम आर्मी के खिलाफ है। दूसरा, मेरे ननिहाल में, अभी वो मर गए हमारे वो नाना, तो मेरे नाना के जो भाई हैं उनको फ्रीडम फाइटर का पेंशन मिलता था, और मैं उस फैमिली से आता हूं, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके कांग्रेस के उस जिले में, मैं जिस जिले से आता हूं, कांग्रेस के भी फाउंडर उस परिवार से, मेरा ताल्लुक जिस परिवार से है, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी फाउंडर उस परिवार से। यह उस वक्त का पॉलिटिकल कल्चर था, लेकिन बहुत आसानी से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, वही जो मैं आपको कह रहा हूं कि न्यू टूल का कैसे इस्तेमाल किया गया और न्यू इकोनॉमी की क्या जरूरत थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में वो फेल होंगे, कंप्लीटली फेल होंगे। जरूरत यह थी कि मनमोहन सिंह बोले कि भैया इससे ज्यादा नहीं, मैं कितना कराओगे भाई, कितना जान लोगे, 90 से लेकर के एग्रेसिवली जो है इस देश में हम न्यू लिबरल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो कि बैंक भी बंद कर दें, डाकघर भी बंद कर दें, रेलवे चलाना बंद कर दें, पार्लियामेंट बंद कर दें, तो सरकार क्या करेगी, फिर सरकार होगी किस बात के लिए। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद कहा कि हमको नया आदमी चाहिए, और उस नए आदमी का नाम अमेरिका में लिया गया, और अमेरिका की फंडिंग से जो आंदोलन यहां शुरू हुआ, एंटी मनमोहन सिंह मूवमेंट। अब यहां तो आपको बीजेपी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय का जो कैग था विनोद राय थ्योरी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ था, और बीजेपी के समय का जो कैग है वो भी कांग्रेस के खिलाफ है। तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये खेल है। थोड़ा सा इंसान यदि लॉजिकल हो जाए तो इस बात को समझ लेगा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो इस देश की बदहाली के लिए वो जिम्मेवार थे, और जब बीजेपी सरकार में है तब भी इस देश की बदहाली के लिए वही जिम्मेवार है। जब ये विपक्ष में थे और कोई हमला होता था तो ये सरकार पे हमला करते थे, आज सरकार में है तब ये विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। ऐसे डेमोक्रेसी चलती है। और ये सब चीज हम लोग खरीद रहे हैं। ये सब चीज हम लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हम भी परसेप्शन के शिकार हैं, क्योंकि हमको जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इकोनॉमी जिस तरीके से ऑपरेट हो रही है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। नतीजा क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो आप दीवारों को धक्का मारेंगे ना, निकलने का रास्ता तलाशेंगे ना, लेकिन रास्ता तो दिखेगा नहीं। वही सिचुएशन इस देश के यूथ के साथ हुआ है कि उसको कोई अल्टरनेटिव ही नहीं दिख रहा है। उसको लग रहा है, क्योंकि वो इसी एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है कि इस देश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इस एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है। ये जो अभी 283 जीते हुए हैं, 100 से ज्यादा तो कांग्रेस ही है उसमें से, जो बीजेपी के एमपी बने हुए हैं वहां जाकर के, क्योंकि पिताजी कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो एथिक्स थे, मल्टीकल्चरलिज्म, माने कोट पहनना अच्छी बात थी। और आज के युद्ध को देखिए, दाढ़ी पहले वो खुद ही बनाना चाहता था, अब रखना चाहता है, नया फैशन है। विराट कोहली भी रखता है, अजरुद्दीन रखता था क्या? एक फर्क को समझिए, अजरुद्दीन मुसलमान था ना, अजरुद्दीन की दाढ़ी आपने देखी है, अब विराट कोहली हिंदू है, उसकी तो दाढ़ी है। क्या है ये है कि रास्ता नहीं, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। यूथ का क्राइसिस हम आपको बताते हैं, उसको रिलेशनशिप में रहना भी है और रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है, शादी भी करना चाहता है, एकदम भावुक हो जाएगा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन, बहुत भावुक हो जाएगा। अब प्यार जो जीवन में था
उसको संभाला नहीं, बोला बहुत पजेसिव थी। चाहिए क्या जीवन में, क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए? नौकरी करने जाएगा तो फ्रस्ट्रेट होगा। आपको मैं डेटा बता रहा हूं कि दिल्ली में जो वीकेंड होता है सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? काम करेगा कॉर्पोरेट में, जीवन रास्ता वही दिखा था, कॉर्पोरेट में जाकर काम करेगा तो दोस्त को बुलाएगा, आ जाओ ना आज पार्टी करते हैं, ब्रिंग योर बूज, एक टर्म होता है, अपना अपना लेके आइए, पार्टी साथ में करेंगे। और फिर जब हो गया, पहुंच गए हैं उस अवस्था में जहां बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो लगता है कि थोड़ी और कसर है, एक बोतल और ले आओ। बोतल लाने गए, खुद कहीं पहुंच गए। ये हो रहा है हमारे साथ, पता ही नहीं चल रहा है कि हमको क्या चाहिए जीवन में। हमको पुराना चाहिए जो माँ बाप कर रहे थे, या हमको नया चाहिए? क्या माँ बाप वाले नहीं करेंगे? अगर माँ बाप वाला नहीं करोगे तो तुमको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए बे? क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? सब कुछ पैकेज में आता है, हर चीज पैकेज में आता है, ऐसे कोई चीज नहीं मिलती है, हर चीज पैकेज में आता है। डायलेक्टिकली ग्रीन रेवोल्यूशन हमको पैकेज में आया कि नहीं आया? भूख खत्म करने के लिए किए थे ना, खा करके मरने लगे, तो यह पैकेज में नहीं आएगा, यह भी पैकेज में आएगा। इसीलिए ये दौर आइडियोलॉजिकल संकट का दौर है। हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी नहीं कह रहे हैं, आइडियोलॉजिकल संकट का दौर है। जो पुरानी आइडियोलॉजी थी जिसको डेवलप करके आज की दुनिया की समस्या को समझना था, उसको डेवलप किए नहीं, आपसे में लड़ते रह गए। मुबारक हो आपको, आप तो जो है सीपीआई सीपीएम अलग अलग होते हुए भी लेखक संघ एक हैं। हमारे यहां जितनी पार्टी उतने लेखक, बताइए कैसा मार्क्सवाद पढ़े हैं? समाज के लिए मार्क्सवाद पढ़े हैं कि पार्टी के लिए लेखक बने हैं? बताइए, इस सवाल का जवाब हमको दीजिए कोई। किस लिए लेखक हैं आप? समाज समझने के लिए कि पार्टी का झंडा उठाने के लिए? अब पार्टी का झंडा आप सिर्फ उठा देंगे कि पार्टी बना है भौतिक परिस्थितियों से? बेसिक मार्क्सवादी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भौतिक परिस्थिति बदल जाएगी और आप जो है कम्युनिस्ट पार्टी बचा देंगे? कम्युनिस्ट पार्टी को भी बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से, ना आप बचेंगे ना कम्युनिस्ट पार्टी बचेगी। ये जो बुनियादी आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है कि आइडियोलॉजीज को अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं किया गया। और आज देखिए कितना मजेदार हो रहा है इस देश में। जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी वो बन गए देशभक्त, और जिन्होंने दिए अपने जान इस देश के लिए वो बन गए देशद्रोही। सवाना आजमी के पिताजी कौन है? कैफी आजमी। कैफी आजमी कौन है? इस देश के साहित्य के इतिहास में कोई कैफी आजमी के योगदान को भुला सकता है? और आज सवाना आजमी से लोग देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, ये बात है। फैज अहमद फैज कौन है? फैज अहमद फैज को दुनिया का बेहतरीन शायरों में से एक कहा जाएगा। उनकी बेटी को दिल्ली में नहीं बोलने दिया। किसने? जो अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे। इस देश को के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली जिन्होंने अपोज किया वो आज किसको देशद्रोही बता रहे हैं? नेहरू के बाल बच्चों को, खुद नेहरू को। ये हालात कैसे पैदा हुए? ये हालात इसलिए पैदा हुए, समाज बदल गया, अहम विचारधारा लेकर के चौराहे पे ही खड़े रह गए। समाज जब बदलेगा ना, वो अपनी विचारधारा भी बदल लेगा। आपके विचारधारा बदलने का इंतजार समाज नहीं करेगा, इसीलिए अब भी दुखी मत होइए। समाज को बदलते हुए देखिए और उसके हिसाब से आप अपने भी विचार बदल लीजिए। और आज के समय में अगर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए, जब पुरानी संरचना नहीं बची है ना, तो पुराना स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगा। जब पुराने विश्वविद्यालय नहीं बचे हैं तो पुराना स्टूडेंट यूनियन भी नहीं आप बना सकते हैं। जब पुरानी फैक्ट्रियां नहीं बची है
तो पुराना ट्रेड यूनियन भी नहीं बनेगा। और नए समाज की नए मुहावरों को जब तक नए लेखक अपनी लेखनी में शामिल नहीं करेंगे, तब तक कोई नया साहित्यिक आंदोलन भी नहीं खड़ा होगा। और इन सवालों को अगर हम ऐड करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में एक साफ साफ राजनीतिक रास्ता खुद इकोनॉमी दिखा रहा है। एक यह जो ग्लोबल मार्केट का तमाशा है, उस तमाशा का ढोल अपने आप फूट चुका है। न्यूलिबरल फोर्स सबसे एग्रेसिव अमेरिका, अमेरिका कह रहा है कि इमिग्रेशन रूल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्यों? तुम्हारा कोका कोला हम अपने बेटी के ब्याह में पिएंगे, हमारा दामाद जाकर के न्यूयॉर्क में काम नहीं करेगा। तुम्हारा अगर कोका कोला यहां आएगा तो हम भी अमेरिका जाएंगे, नहीं तो दोनों बंद करो। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, कि अगर प्रोडक्ट्स आएंगे तो लेबर भी जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट लेबर से तैयार होता है। अगर प्रोडक्ट फ्री मार्केट बनाना चाहते हो तो लेबर फ्री मार्केट बनाओ, मुझे न्यूलिबरलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय न्यू आंसर। करो। और ये बात वो जानते हैं कि जो इकोनॉमी उन्होंने बनाई है, रोजगार तो वो नहीं दे सकते हैं, रोजगार कोई नहीं दे सकता है। और एमएसपी बढ़ा करके एग्रेरियन क्राइसिस से हम नहीं निकल सकते हैं। ये दोनों ही सवाल जो हैं, हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्रीकल्चर में है ही नहीं, उसका सॉल्यूशन एग्रीकल्चर से बाहर है। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको वहां से निकाल करके आपको नए प्रोडक्शन यूनिट्स में फिट बिठाना पड़ेगा। वहां भी प्रोडक्टिविटी इतनी तेज है कि सबको काम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए रोजगार की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। और एक बात हम आपको बताएं, आप दुखी होते होंगे, हमको भी बुरा लगता है जब गाली देता है, तो फिर लगता है चलो शब्द ही तो है। कौन सा जो है वो गाली मेरे शरीर में आकर के लग गया है, तो शब्द ही तो है। लेकिन वो जो वर्चुअल वर्क है, वहां इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आपको मजाक लगता होगा इस बात का, आप इंजीनियरिंग करके 15,000 की नौकरी पाने की गारंटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत बढ़िया झूठ बोल सकते हैं। और मजेदार बात सुन लीजिए, दुष्यंत की कविता चिपका देता है, पास की कविता चिपका देता है किसी कम्युनिस्ट को ही गाली देने के लिए। यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और गाली देने का एक रोजगार है, एक एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, वो उसके लिए सेंटर खोले जाते हैं अलग अलग शहरों में। अभी आप देखेंगे चुनाव आएगा, फिर से सेंटर खुल गए होंगे। बकायदा एक मोबाइल दिया जाता है, 10,000 रुपया दिया जाता है, जिनका काम है कि आप कुछ लोगों को डिफेम कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में बहुत सारे अंतर विरोध हैं, लेकिन एक मामले में यूनिटी है, गाली में। वहां जो प्रोग्रेसिव है उसको भी वही गाली मिल रही है कश्मीर में, जो गाली कन्याकुमारी में प्रोग्रेसिव है उसको मिल रही है, सेम कंटेंट के साथ। अब बताइए, कहता है वामपंथी कीड़ा, अगले ही पोस्ट में कहेगा तुम लोग तो खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो गाली क्यों दे रहे हो? जब हम हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर इतना सीरियसनेस किस बात का? हमको बोला एक दिन टीवी स्टूडियो में एक पत्रकार, अच्छा टाई वाई लगाए हुए था, कि आप लोग तो खत्म हो गए हैं। हम बोले हाँ, मेरी आत्मा बैठी हुई है, भूत बैठा हुआ है। खत्म हो जाती है कोई विचारधारा, उसका मूल्यांकन इस आधार पे होगा कि आप पार्लियामेंट में हैं कि नहीं है, इस बात पे होगा कि उस डिस्कोर्स में दुनिया के नए सवालों को शामिल किया गया है कि नहीं शामिल किया गया है। और नया सवाल यह है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यह है कि नियो लिबरल डिजाइन पे चल करके जो अभी का है, आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल सकते हैं। मैंने रसगुल्ला खाते खाते आप डायबिटीज को ठीक कर लेना चाहते हैं, ये कैसे संभव होगा? विज्ञान और तर्क के विरुद्ध है ये।
बाजार का एग्रेसिवनेस मार्केट और इकोनॉमी की डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, कैसे सरवाइव करेगा इतना बड़ा जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। आपके यहां शादी में पंजाब में भी आप लोग कोका कोला पीते होंगे, हमारे यहां भी पीते हैं, कितना भी आप हमको पिछड़ा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी। बिहार में भी लोग सत्तू पीना बंद कर दिए और पंजाब में भी लोग धीरे धीरे लस्सी पीना बंद कर देंगे। और हम गए एक बार, जो है हमारे एक परिचित हैं यहाँ पे, हम बोले बड़ा खुश हुए कि पंजाब आए हैं, लस्सी पिलाइए, तो बोले हम लोग खुद ही पीना बंद कर दिए। बोले अरे यार, ये तो जो है तुझे देखा तो ये जाना सनम फिल्म टाइप का अनुभव हो रहा था, यहाँ आए हैं तो सब कुछ बदल गया है, बदला बदला आसमान। ये क्यों है कि मार्केट जब प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी को मार देगा, उसकी मोनोपोली, तो टीवी स्टूडियो में डाइवर्सिटी रह जाएगी। कैसी बातें करते हैं, जो प्रचार आएगा, सीरियल देखते हैं वो, कोई भी टीवी पे आता है अलग अलग सीरियल, कोई सा भी उठा लीजिए, सीरियल कम प्रचार ज्यादा आता है, तो वो जो गैप में एड्स आते हैं, वो एड्स मूल बात है, आपका इंटरटेनमेंट मूल बात नहीं है। और वो एड का जो मूल उद्देश्य है बाजार का, अब आप न्यूज चैनल को देखिए, बकायदा छोटा सा जैसे नहीं होता है शर्ते लागू, ठीक से चश्मा से दिखेगा नहीं, दिखेगा भी नहीं कि कंडीशन अप्लाई में लिखा हुआ था। गए दुकान पे तो बोला रहे अम्मा कहाँ आ गए, इसमें तो ये करना पड़ेगा भाई, इसमें तो यार मोटा मोटा अक्षर में ये लिखा हुआ है, तब वो दिखाएगा अम्मा ये भी तो है कंडीशन अप्लाई। अब न्यूज चैनल पे बकायदा एड एडवर्टाइजमेंट चलता है, तो टीवी स्टूडियो का डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। और टीवी स्टूडियो का डाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी के बेसिस पे होगी, और जब डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी नहीं होगी हिंदुस्तान में, तो वो डेमोक्रेसी होगा, वही मोदी राज होगा, कोई हिंदू राज नहीं बन रहा है, ये मोदी राज है। और मोदी राज और हिंदू राज का ये फर्क है कि हिंदू राज में तो कम से कम कहने के लिए ही सही, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात होगी। मोदी राज में सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि सारे के सारे स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बंद करो, पूरा का पूरा मार्केट जो है वो मोनोपोलिस्ट के हाथों में हवाले करो, उससे चंदा लो, चुनाव जीतो। ये है नेक्सस। इस नेक्सस को यदि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो लड़ेंगे कैसे? पहली बात, हाथ जोड़ करके कहते हैं, शुद्धतावाद से बाहर आ जाइए। इस शुद्धतावाद आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। जिस व्यक्ति से भी आप असहमत हों, यह बहुत अच्छी बात है, आप यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि सहमति के क्या बिंदु हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आज का जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स से अलग होगा। इंडिविजुअल्स के राइट को आज के समय में आपको बढ़ा करके बार्गेन करना होगा। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टेट, कि स्टेट क्या है, मॉडर्न स्टेट क्या है। देयर इज टू थ्योरी अबाउट स्टेट। एक ये है कि स्टेट डिवाइन है, भगवान ने जो है यह दुनिया बनाई है और ये राजा है, भगवान इसको भेजे हैं हमारे ऊपर राज करने के लिए, तो राजा का जो लेजिटिमेट बेटा होगा वो हमारा फिर राजा होगा। ये स्टेट का डिवाइन थ्योरी है। एक है कि नहीं, स्टेट का जो एक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि हम किसान हैं, हम अनाज पैदा करेंगे, तुम लठैत हो तो तुम नेता बनो, तुम्हारा खाना पीना का इंतजाम हम करेंगे, तुम हमारे खेत की रखवाली करना। ये मैं बहुत आसान और लेमेन की भाषा में बोल रहा हूं। अगर इसको परिष्कृत शब्दों में बोला जाए तो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमको प्रोटेक्शन दीजिएगा, हम आपको टैक्स देंगे, और चीजें ऑपरेट कैसे होगी, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म क्या होगा,
उसके डिटेल्स क्या होंगे, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि इंडिविजुअल अपने राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करता है स्टेट के साथ, स्टेट अपना राइट को इंडिविजुअल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आज वो दौर आया है कि इंडिविजुअल के राइट बेस्ड मूवमेंट होंगे, और जब राइट बेस्ड मूवमेंट होंगे तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को बदलना पड़ेगा। है हम प्रगति लेखक संघ के हैं, तुम जनवादी लेखक संघ के प्रोग्राम में क्यों गए? यहां इंडिविजुअल के राइट्स को बढ़ाने की लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि हम पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में हैं, और जब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर का जो कलेक्टिव का आइडिया था वो बदल गया है। यहां इंडिविजुअल्स के राइट को एक्सेप्ट करते हुए एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की जरूरत होगी। तो पार्टी के स्ट्रक्चर को, सब पार्टी के स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए कलेक्टिवली और ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल फाइट कैसे कर सकते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरा कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा तो आप समाज के लिए काम कैसे करेंगे, जो प्रॉब्लम है एग्रेरियन इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर के, एम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के, बेसिक फैसिलिटीज के, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का टाइम चला गया है, स्मॉल स्केल मार्केट को अप्रिशिएट करना, लोकल मार्केट, लोकल कच्चा माल, लोकल प्रोडक्शन, लोकल सर्कुलेशन। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये ऑलरेडी हो रहा है, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया, मास क्या है, तेल। तो जिन ही आप ईरान से खरीदिएगा तुम्ही, अमेरिका को खबर होता है कि डॉलर से पेमेंट होने वाला है, अमेरिका तुरंत जो है डॉलर को कंट्रोल करता है। तो अभी ईरान ने क्या किया है, ईरान ने कहा रहने दीजिए, एक तरीके का वाटर सिस्टम डेवलप कर लिया है कि आप हमसे तेल ले लीजिए बदले में हमको चावल दे दीजिए, डॉलर थोड़ी खाना है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ये आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज खुद ही अपने कॉन्ट्राडिक्शन में फंस चुका है। उसका एग्जांपल मैं आपको ट्रंप बता रहा हूं और याद दिला दे रहा हूं। मैं बिल्कुल सहमत हूं सर से कि ओबामा के कॉन्ट्राडिक्शन ने ट्रंप को पैदा किया, और यहां पर मनमोहन सिंह के कॉन्ट्राडिक्शन ने मोदी को पैदा किया है। इट्स ट्रू, अगर आइडियोलॉजिकली लेफ्ट और लिबरल लोग फेल नहीं हुए होते, एजुकेशन सिस्टम को ठीक से कंट्रोल किया होता, तो आज हमारे सामने ये कम्युनल रिजिम नहीं होता। इट्स ट्रू। उसी तरीके से अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के फॉर्म में ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जब वो खुद ही न्यू लिबरल फोर्सेज अपने कॉन्ट्राडिक्शन में फंस चुका है, हमको अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हम चाइना से कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन चाइना भी तो बिना गूगल का सर्वाइव कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? और इतना बड़ा मार्केट यदि आपके पास है, माने यूट्यूब चल ही रहा है इंडिया से, और वैसे वैसे लोग, वैसे सपना चौधरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसी अच्छे प्रोफेसर की तुलना में। ये जो नए टूल्स हैं, उस नए टूल्स का इस्तेमाल करके जो लोकल मार्केट है, उस लोकल मार्केट में सप्लाई लोकल हो, उसका जो है प्रोडक्शन लोकल हो, उसका सर्कुलेशन लोकल हो, बाद में देखेंगे जब अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर देंगे, तो हमारा बनाया हुआ पेस्टिसाइड से तैयार किया हुआ फल नहीं, ऐसे तैयार किया हुआ, अपने ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ फल जो है वो जाए न्यूयॉर्क। वैसे भी हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं, एक और डेटा मैं आपको दे देता, वो इंटरनेशनल मार्केट के जो मानक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो ही नहीं करते हैं और उसको बाहर कर दिया गया है। इंडिया की चाय, इंडिया का आम, इंडिया की लीची, कई साल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं करती है। और आप में से तो लोग कई कनाडा उनाडा रह करके आए हैं, वहां भी कोका कोला पीते हैं, यहां भी पी लीजिएगा जाकर के, चंडीगढ़ में भी फर्क पता चल जाएगा। ठंडा मतलब कोका कोला खाली लिख देने से थोड़ी होता है, क्वालिटी भी कोई चीज होती है ना, उसको कौन ध्यान दे रहा है इस बात को। हमको किसी का फॉलो नहीं करना है, हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। एग्रेरियन क्राइसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ओवर डिपेंडेंसी है और ओवर प्रोडक्टिविटी है।
इन दोनों चीजों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। वहां से प्रोडक्टिव फोर्सेस को, लेबर को निकाल करके स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा। स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किए बिना हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकते। और तीसरा कि हिंदुस्तान के भीतर जो अभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कंप्लीटली कॉर्पोरेट फंडेड हो चुकी हैं। यह जो कॉर्पोरेट फंडिंग है पॉलिटिक्स में और मीडिया में, इस दोनों से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और उसको बकायदा लेजिटिमेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि कोई कितना चंदा दे रहा है आप इसमें सवाल ही नहीं पूछ सकते, आप आरटीआई ही नहीं कर सकते। एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है आप इंटरनल मीटिंग नहीं बताइए, लेकिन इंटरनल मीटिंग में भी कुछ जो बेसिक चीजें हैं, जब आप चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हो सकते हैं तो बेसिक चीजें पब्लिक क्यों नहीं कर सकते हैं? अब पब्लिक तो हो ही जाती है। अब हम चाहेंगे कि यहां जो हम बोल रहे हैं पब्लिक नहीं हो, ऐसा संभव है? सबके हाथ में मोबाइल है, कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेगा। तो आप उनको बताइए पार्टी सीक्रेसी के नाम पे ये सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। और मैं अपनी पार्टी के बारे में एक बात बता दूं, मैं नेशनल पार्टी कांग्रेस में एक क्रिटिसिज्म किया, वो पहले ही बाहर आ गया, हमारे हॉल से बाहर निकलने से पहले वो बाहर आ गया। हम बोले भाई तो गजब है, हमको आज तक ये सिखाया है कि पार्टी की इंटरनल चीजें बाहर नहीं जाती हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म अंदर ही रहता है, ये बाहर कैसे पहुंच गया? आप रोक ही नहीं सकते। ये समय बदल गया है। आज की डेट में पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं, उस इंडिविजुअल्स के राइट को एक्सेप्ट करते हुए एक नए तरीके का कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए आज के डेट में मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान जैसे देश के लिए, हिंदुस्तान के संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को लागू करना ही एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का परफॉर्मा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, हमारी प्रभुत्व संपन्नता है वो किसी को हरा के नहीं है, किसी के ऊपर कब्जा करके नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता। और यह जो न्याय की बात है, जब हम न्याय की बात करें तो चाहे हम किसी भी माँ के पेट से पैदा हुए हों, हम इस टेरिटरी में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं, और हमारे पास इक्वल राइट एक्सेस करने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। और वो इक्वल राइट हम एक्सेस कर सकें, इकोनॉमी के जो कंट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व कर सकें, डेमोक्रेटी को स्ट्रेंथन करके एक बेहतर भारत बना सकें, इसके लिए सबसे बुनियादी चीज, इस बात के लिए मैं इस पूरे के पूरे सभा को, इस आयोजन को धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले खुली बहस शुरू कीजिए। ये इसका पहला कदम है। खुली बहस इस मानसिकता के साथ कि हम आपसे कितना भी असहमत हैं, लेकिन हम आपके असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई पार्टी नहीं मिल रही है, कोई ईमानदार नहीं लग रहा है, चौक पे खड़ा होकर के जोर जोर से रोना शुरू कर दीजिए। आकर के लोग पूछेगा कि क्या हुआ, कहिएगा कि हमारा देश खतरे में है। पूछेगा क्यों, बोला कोई पूछने नहीं आता है जब हम रोते हैं तो। ऐसे भी जरूरत पड़े तो ऐसा भी कीजिए, लेकिन संवाद शुरू कीजिए। लेखक हैं तो लिखिए, नाटक कर सकते हैं तो नाटक कीजिए, बोल सकते हैं तो भाषण दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई लेखक जो लिखा है उसको फोटो स्टेट करा करके 10 घर में बांट दीजिए। हाथ पे हाथ धरे रख करके मत बैठिए। आप ही कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ है, तो कम्युनिकेशन तो कीजिए जनाब, कम्युनिकेशन कीजिए एज ए सिटीजन, एज ए इंडिविजुअल। आप अपने राइट की रक्षा के लिए, इंडिविजुअल की मैक्सिमम राइट को कैसे पूरा किया जा सकता है उसके लिए कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनाइए,
और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यही है कि इस देश में, इस देश के जो लोग हैं उनका पेट भरे, शांति और सुरक्षा से वो अपने घर में रह सकें और अपने चॉइस के हिसाब से मनोरंजन कर सकें। तुम्हारे कहने से सास बहू देखेंगे, हमको कुछ और देखने का मन है। आपको पता है एक सीरियल आया है, उस सीरियल में किरदार कलम गिराएगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा तो कहानी कुछ और होगी और नहीं उठाएगा तो कहानी कुछ और होगी। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इस बदलते हुए जमाने को समझिए। आज के समय में मैं आपको बता देता हूं, क्रांति की संभावना इससे ज्यादा कभी नहीं थी। आज के समय में बदलाव की रफ्तार सबसे तेज है। जरूरत इस बात की है कि उस तेज गेंद को सही तरीके से बल्ला लगाइए, बॉल बाउंड्री के पार जाएगा, देश बदलेगा और हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।